So welcome friends again for the topic of light reflection and refraction. So in the last lecture we have studied something about the laws of reflection. Laws of reflection in which I told that the incident angle, the reflection angle, that is angle of incidence, angle of reflection, and the normal at point of incidence, they lie in the same plane. Okay, and angle of incidence is equal to angle of reflection. And then we have studied how the regular reflection and the diffused reflection can be studied by using the laws of reflection. Okay, now today we will have some look on angle of deviation by plane mirror. Angle of deviation for the case of plane mirror, and after that we will go for spherical mirror. So at first, what is mean by the term deviation? Suppose this is a ray of light, it's going on the straight line. Suppose at this point it gets reflected from some surface. So after that it will not go here. Are you getting my point? So suppose it has been reflected like this. So it is the case, incident path was like this. Are you able to understand? And now reflected ray, the path is like that. So can I get two rays? Can I get two rays? Suppose, see, this is my mirror. This is my mirror. This is my incident ray. And this is the normal. And this is my angle of incidence. This is my incident ray. Now you are knowing that angle of incidence is equal to angle of reflection. So it will get reflected like this. And this will be my reflected ray. Now actual position of incident ray, can I show the position to be like this? अगर ये इंसिडेंट रे ना रुकते हुए आगे जाता, इफ इट वुड हैव गॉन विदाउट रिफ्लेक्शन, इफ मिरर वुड नॉट बी देयर, तो ये ऐसे जाता है ना? इसको बोलेंगे एक्चुअल पाथ व्हेन नो रिफ्लेक्शन. उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ व्हेन नो रिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व. तो अभी बेटा इसका पाथ जाएगा ऐसे, तो अपने पाथ से, जैसे मैंने बोला था कि अगर ऐसे जा रहा है, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, और किसी भी पॉइंट को अगर ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे बनता है, किसी भी पाथ को अगर ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे बनता है, तो ये बन जाएगा एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द ओरिजिनल एक्चुअल इंसिडेंट रे. इसमें वेक्टर का भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है. जैसे हम वेक्टर को लेते हैं, इफ वन वेक्टर इज देयर, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, देन आई विल कंटिन्यू दिस रे टू बी गोइंग लाइक दिस. अभी ये जो एंगल बताया है, इतने एंगल से डेविएट हुआ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये बन जाएगा अपना एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. डेल्टा को क्या बोलेंगे? डेल्टा विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन. तो इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे? डेफिनेशन के लिए एकदम सिंपल बनाएंगे डेफिनेशन. तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगा? द एंगल मेड बाय
reflected ray with the incident ray. क्या बोलेंगे इसको? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्टेड रे ने इंसिडेंट रे के साथ, एक्चुअली ये इंसिडेंट रे इधर तक है आपका, ये रिफ्लेक्शन की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गया है, ये मिरर की वजह से. अगर मिरर नहीं होता तो कैसे जाता? ऐसे. तो इसका डिरेक्शन कैसा है? मैंने आपको दिखाया है, ये बन गया इसका डिरेक्शन. तो इसकी डिरेक्शन ये है, इस डिरेक्शन के साथ इसने कितना एंगल बनाया? डेल्टा. तो इतना डेल्टा एंगल से वो डेविएट हो गया, डेल्टा एंगल से वो डेविएट हो गया. सो इफ यू वॉन्ट देन यू मे नोट डाउन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. ओनली द डाउट शुड बी रिलेवेंट विद दिस. इट इज नॉट लाइक दैट समथिंग यू आर रीडिंग फ्रॉम समवेयर. You are asking me, no problem, but you should be strict up to the relevant to the text, so that we will have the fruitful discussion over that. Okay, so we'll go for next angle of deviation for plane mirror. Now what will happen? Ek apna simple hua. So how to find delta? Ye ekdam important hai, एकदम सिंपल भी है, ऐसा कुछ नहीं इसमें एकदम क्या बोलते हैं उसको, इतना ये नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. तो डेल्टा कैसे करेंगे? मेरे को ये मालूम है कि जो टोटल लाइन बन गया है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल पूरा एंगल कितना है? पाई है. तो अगर ये मेरा पाई है, ये देखो ये मेरा मिरर है, ये मेरा नॉर्मल है, ये आई है, ये आर है, ये डेल्टा है, तो ये पूरा एंगल है, ये कितना बन जाएगा? पाई बन जाएगा. तो क्या मैं लिख सकता हूं? पाई इज इक्वल टू आई प्लस आर प्लस डेल्टा. ये हो गया आई, पूरा ज्योमेट्री. इसलिए इसको और भी बोल सकते हैं हम, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. इसी को हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ऐसा कुछ नहीं है. ये बन गया आर, ये बन गया आर, और ये बन गया डेल्टा. तो मेरा पाई कितना बन जाएगा? आई प्लस आर प्लस डेल्टा. देयरफॉर डेल्टा कितना बन जाएगा? पाई माइनस आई माइनस आर. बट फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा आई कितना है, एंगल आर कितना है, तो मैं डेल्टा सिंपल कैसे लिखूंगा? पाई माइनस आई माइनस आर. तो मेरा डेल्टा कितना बन जाएगा? पाई माइनस टू आई और 180 माइनस टू आई. तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन को मिल गया, क्या? डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस टू आई. तो इसको नोट डाउन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका है, जहाँ से हम एंगल ऑफ डेविएशन का पता कर सकते हैं. इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग आई विल बी गिविंग यू सम आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑल्सो. तो ये बन गया अपना हाउ टू फाइंड डेल्टा. तो इसको नोट डाउन करो. ओके कर दिया. ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट. नाउ ये मेरे को मिल गया डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस टू आई. नाउ वी विल गेट द कंसेप्ट ऑफ टर्निंग द मिरर. सो effect of turning the mirror on angle of deviation. तो समझो मेरी original position ये था mirror का. Okay. Case one बोलता हूँ, इसको बोलता हूं क्लॉकवाइज. मतलब क्या? ये मेरा नॉर्मल है. सॉरी राइट, आई विल ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस. ये मेरा नॉर्मल बन गया, ये बन गया आई,
ये बन गया आर, ये मेरा मिरर बन गया। इसके बाद अपन का जो एंगल है ये बन गया डेल्टा। तभी क्या हुआ बेटा, अभी क्या हुआ, अभी ये बात हुआ, अगर मैंने इस मिरर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में टर्न कर दिया। What I am telling you, beta? I am turning the mirror in clockwise direction through angle theta. मैं क्या लिखता हूँ? If we turn the mirror clockwise through angle theta, clockwise through theta, तो एक ऐसा बन जाएगा। यहां पे ये जो है इसको मैं दिखाता हूं दूसरी डायग्राम से, तो ये डायग्राम क्रिटिकल बन जाएगा, लेकिन आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये मेरा बन गया थीटा, बन गया। Have I changed the incident ray? No, but ये change हो गया, इसका मतलब क्या मेरा normal change हो जाएगा? इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस सब को फिर से आपके सामने बनाता हूँ। थोड़ा big one, I will try to make it। तो ये मेरा original case बन गया, original position इसको बोलता हूँ मैं। यहाँ पे normal निकलता हूँ, ये बन गया नॉर्मल n, ये बन गया आपका इंसिडेंट रे नहीं चेंज हो जाएगा। ये एंगल बन गया i, ये एंगल बन गया r, और ये बन गया मेरा ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये बन गया मेरा डेल्टा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आई एम टर्निंग दिस बाय एंगल थीटा। तो ये कैसे बन जाएगा बेटा, देखो ठीक से देखो, इसको मैंने ऐसा टर्न किया। सपोज ये मेरा मिरर है, ये मिरर है मेरा, मिरर को मैंने ऐसे टर्न किया, तो भी क्या होगा देखो, ठीक से देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल गो डाउन बाय एंगल थीटा। अभी ये जो नया वाला मिरर है इसको मैं उल्टा ये कर देता हूँ सिल्वरिंग, मतलब आपको समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं। इसको बोलता हूँ वन, इसको बोलता हूँ टू। कभी इसके लिए मेरे को मतलब नॉर्मल भी शिफ्ट करना पड़ेगा। जब वो ऐसे था तो नॉर्मल परपेंडिकुलर था, ऐसे था, अभी जब वो शिफ्ट हो जाएगा उसके साथ मेरा नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको बेटा, ये मेरा पहले का पोजीशन है, इसके साथ मेरा नॉर्मल ऐसे है, दिख रहा है, आर यू गेटिंग? अभी इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एक्चुअली? तो बात ये हुआ, जो पहले नॉर्मल ऐसे था वो अभी शिफ्ट हो गया, तो नॉर्मल ने भी वर्टिकल से कितना एंगल किया, थीटा एंगल किया, और मिरर ने अपने ओरिजिनल पोजीशन मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल किया, थीटा एंगल किया। सो वॉट एवर विल बी द एंगल मेड बाय मिरर विद इट्स ओरिजिनल पोजीशन विद द सेम एंगल नॉर्मल विल शिफ्ट। कभी नॉर्मल को भी मैं शिफ्ट करता हूँ, इट्स नॉट क्रिटिकल, बट दिखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको। तो भी क्या हुआ, ये जो अपना इसको देखो, ध्यान में रखो इसको, ये जो अपना है इसको मैंने नॉर्मल निकाला है, थोड़ा दिखने के लिए थोड़ा सा ठीक से निकल के दिखाता हूँ। थीटा एंगल करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इसको इधर से बनाते हैं। तो ये मेरा क्या होगा बेटा, न्यू नॉर्मल हो गया, इसको बोलता हूँ एन डैश, और ये क्या बन गया थीटा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा बन जाएगा।
तो भाई टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो बेटा? अभी न्यू पोजीशन के लिए यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। न्यू पोजीशन के लिए ये मेरा n है, ये मेरा n डैश है ना, ये मेरा ओरिजिनल n है, ये मेरा n डैश है। आई तो चेंज नहीं हुआ बेटा, आई तो उधर ही है, इधर इधर इसके साथ आए है, लेकिन अभी ये कितना बन गया थीटा। तो अभी इसके लिए मेरा आई डैश कितना बन गया, ये बन गया मेरा आई डैश, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस थीटा। फिर से वो वही जाने वाला है। तो अभी इसके बाद में आर भी कितना आएगा, मेरा आर डैश भी कितना आएगा, आर डैश विल बी इक्वल टू आई डैश विल बी इक्वल टू आई प्लस थीटा। तो क्या मैं अभी न्यू इक्वेशन लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आई कैन राइट दैट इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन बनाने के लिए व्हाट आई कैन डू फॉर दैट, अभी ये एंगल देखो, ये मेरा मिरर है और ये पूरा एंगल, ये तो पूरा पाई ही रहेगा ना। तो अभी क्या लिख सकता हूँ मैं, आई डैश मतलब ये पूरा, ये देखो इसको पूरा बनाता हूँ, ये बन गया आई डैश। अभी इसके बाद ये आर नहीं रहेगा, अभी नया वाला आर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कितना बनाएगा नया वाला आर डैश बनाएगा, और ये ओरिजिनल मेरा कितना बन जाएगा आई डैश। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आई डैश प्लस आर डैश। हाँ आई डैश प्लस आर डैश, ये हो गया। और डेविएट कितना हुआ, अभी डेविएट हो गया ये, बराबर, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन बदला नहीं, इसको बोलता हूँ डेल्टा डैश। क्या मैं फिर से इक्वेशन लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन राइट। अभी क्या हुआ, थीटा एंगल से चेंज किया उसको, तो अभी कहाँ से ले लेंगे डेल्टा, कहाँ से ले लेंगे, जो पहले से यहाँ से था वो कितना हो गया, अभी इतना हो गया, मतलब डेल्टा डैश आपका देखो कम हो गया, पहले यहां से यहां तक था, ये आर है ना आपका, ये आर है आपका, तो यहां से यहां तक था, अभी वो बन गया यहां से यहां तक। तो आपका डेल्टा डैश कैसे बन जाएगा, डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू नया वाला पाई माइनस टू आई डैश। तो मैथमेटिकली तो एकदम सिंपल है लिखने के लिए, डेल्टा डैश विल बी पाई माइनस टू आई डैश बन गया। इतना समझ गया बेटा, ओके। तभी क्या हो जाएगा, वॉट विल हैपन नाउ दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो बेटा अभी मिरर अगर मैंने थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में घुमाया तो कितना हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस टू आई डैश, उतना ही रहेगा, बिकॉज ये आई डैश प्लस आर डैश प्लस डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू पाई, सो डेल्टा डैश विल बी पाई माइनस आई डैश माइनस आर डैश। ओके और आई डैश और आर डैश अपन को मालूम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड स्टिल, तो जो जितना एंगल बनाया है नॉर्मल से एन डैश से उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बन जाएगा आर डैश, सो आई डैश विल बी इक्वल टू आर डैश। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, नाउ देयरफॉर डेल्टा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस टू, अभी आई डैश क्या बन गया मेरा, आई डैश क्या बन गया मेरा आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। तो क्या मैं इसको और भी थोड़ा सा ये बना सकता हूं, पाई माइनस टू आई माइनस टू थीटा, तो कितना बन गया, इसके अलावा पाई माइनस टू आई मेरा क्या है, मेरा पाई माइनस टू आई बट डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस टू आई। तो अगर पाई माइनस टू आई का वैल्यू यहां पे डाल दिया मैंने, तो व्हाट विल हैपन डेल्टा डैश, सो डेल्टा डैश विल बी डेल्टा माइनस टू थीटा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन विल डिक्रीज। समझ गए बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, इट विल श्योरली गेट डिक्रीज्ड। मैंने क्या किया फिर से बता देता हूँ, मैंने मिरर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में घुमाया। अगर इसको क्लॉकवाइज में घुमाया
तो क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्मल थीटा एंगल से क्लॉकवाइज घूम जाएगा, आगे घूम जाएगा, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर रहेगा अभी। अगर नॉर्मल घूम गया तो मेरा आई डैश जो नया वाला इंसिडेंस एंगल है वो बढ़ जाएगा, व्हाट इट विल बी आई प्लस थीटा। अगर ये आई प्लस थीटा है, ये आई डैश है, तो उतना ही मेरे को आर डैश मिलेगा, तो आर से आगे जाएगा। लेकिन ओरिजिनल ये इंसिडेंट रे तो चेंज नहीं हो रहा है ना, खाली मैं जहां पे वो इंसिडेंट हो रहा है वो चेंज कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे तो मेरा कॉन्स्टेंट है ऐसे, इसको नहीं हिलाया मैंने, खाली मिरर को हिलाया। तो ये जो पोजिशन रहेगा वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो पहले वाला पोजिशन था ये डेल्टा यहां से यहां तक था, मतलब ऐसा था पूरा। लेकिन अभी मेरे को रिफ्लेक्टेड रे अभी थोड़ा नीचे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो उतना ही एंगल बच जाएगा। तो ये डेल्टा, तो ये ऐसा केस बन गया, ये मेरा आर, इसको बोलता हूं आर, ये बन गया मेरा आर डैश और ये बन गया आई, आई का ओरिजिनल पोजिशन। तो ये पहले था डेल्टा और ये बन गया डेल्टा डैश और ये था डेल्टा, सो डेल्टा डैश विल बी लेस देन डेल्टा। तो कितना है डेल्टा डैश विल बी डेल्टा माइनस टू थीटा। जितना मिरर आपने, जितना डिग्री से मिरर को आपने घुमा है उतने डबल डिग्री ये कम हो जाएगा। मतलब मिरर को अगर मैंने 5 डिग्री से घुमाया तो मेरा डेविएशन कितना कम हो जाएगा, ओरिजिनल डेविएशन माइनस 5 to 2, दैट इज 10 डिग्री से कम हो जाएगा। दिस इज अ केस फॉर क्लॉकवाइज। अभी हम सीखते हैं एंटी क्लॉकवाइज केस के लिए क्या होगा। बिफोर दैट यू ट्राई टू नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो, पॉज कर लो वीडियो को और आपका आंसर नोट डाउन हो गया बेटा। ओके, सो नाउ विल गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज। अभी एक्चुअली सिखाने का कुछ जरूरत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका डेल्टा बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ जाएगा दिखाता हूँ। सपोज मैंने एक मिरर लिया, ऐसा लिया, दिस इज माई मिरर ओरिजिनल, 1 बोलता हूँ इसको, ये नॉर्मल है आपका, ठीक से देखो, यू मे ट्राई इन योर नोटबुक। ये बन गया मेरा आई इंसिडेंट रे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ऐसे आगे कर लेता हूँ, हो गया ठीक, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो भाई मैंने इसको ऐसे नहीं घुमाया, ऐसे उल्टा घुमाया, तो ये बन जाएगा ऐसा। कितने एंगल से घुमाया मैंने, थीटा से। उसके पहले मैं ये इसको आर बना के लेता हूँ, ये आर बन गया मेरा। तो पहले केस के लिए इसको भूल जाओ, पहले केस के लिए मेरा डेल्टा कितना था, इतना था डेल्टा। तो इसको मैंने घुमाया, कितना घुमाया, थीटा, थीटा से घुमाया। ओके, इसको उल्टा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा इसका सिल्वरिंग उल्टा कर देता हूँ आपको समझने के लिए। अभी इसको बोलता हूँ 2 बोलता हूँ, कितना घुमाया है, अभी ऊपर घुमाया, थीटा से घुमाया। अभी क्या हो गया बेटा, नाउ द नॉर्मल इज हियर। अभी इसको ऐसे घुमाने से नॉर्मल कहाँ पे बन जाएगा, अभी यहाँ पे बन जाएगा। तो एन डैश, तो अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हो गया, कम हो गया। कितना हो गया आई डैश, कितना कितना कम हो गया आई डैश, ये कितना एंगल से घुमा, थीटा। तो आई से थीटा को निकालोगे तो मिल जाएगा आई डैश, तो आई डैश कितना मिल गया, आई माइनस थीटा, बस हो गया काम खलास। अभी इस नॉर्मल से उतने ही एंगल से आप निकलोगे तो आपको मिलेगा आर डैश, ये बन गया आपका आर डैश। क्या करो, वीडियो को पॉज करते जाओ और एक एक स्टेप आपकी नोटबुक में लिखते जाओ, मतलब ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी हो गया, अभी एंगल ऑफ डिविजन कितना है, एंगल ऑफ डिविजन ये पहले मेरा था आर, यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके रिफ्लेक्टेड, मतलब ये आर दिखाता हूँ, ये पूरा वाला आर, ओके ये बन गया अभी आर डैश, ये आर डैश मतलब ये आर डैश बन गया। तो अभी डेविएट कितना हो गया, ये पहले आर इधर ही तक था, अभी मेरा डेल्टा डैश कहाँ से कहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ बन जाएगा डेल्टा डैश। तो फिर से लिखते हैं, डेल्टा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस 2i डैश, इसमें आप i डैश का वैल्यू डालो, पाई माइनस i डैश कितना है आपका 2 into i डैश कितना है i माइनस थीटा, यहाँ पे i प्लस थीटा था, अभी कितना है i माइनस थीटा, सो i माइनस थीटा। तो करने के लिए पाई माइनस 2i
माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, ये मेरा बन गया डेल्टा, क्योंकि डेल्टा कितना आता है पाई माइनस 2i ओरिजिनल, ये बन गया मेरा डेल्टा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा प्लस 2 थीटा, तो ये बन गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, ये आपका रिजल्ट बन गया। सो दिस इज द केस व्हेन द मिरर इज मूव्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, वी गेट डेल्टा डैश टू बी इक्वल टू डेल्टा प्लस 2 थीटा। नाउ नोट डाउन दिस, टाइमिंग इधर। सो बेटा दैट वॉज ऑल अबाउट द शिफ्टिंग द मिरर, रोटेटिंग द मिरर इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो वी विल ट्राई टू मेक इट एज सम नोट्स, इंपॉर्टेंट नोटिंग। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या हो जाएगा, उसको नोट डाउन करते हैं बेटा। पहले वाला केस वन क्या बन जाएगा अपना, केस वन बन जाएगा अगर मिरर को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो केस वन इफ द मिरर इज टर्न और रोटेटेड थ्रू थीटा क्लॉकवाइज, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट किया देन व्हाट हैपेंस, एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा माइनस 2 थीटा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस बाय 2 थीटा। और वैसे ही केस टू बनाएंगे, केस टू में क्या हो जाएगा, इफ द मिरर इज टर्न और रोटेटेड थ्रू थीटा बट एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा अपना, एंगल ऑफ deviation is delta is equal to delta plus 2 theta, so angle of deviation increases by 2 theta, the important. So at the time of problem solving we will try to solve the problems on this. So that was all about today's lecture. Today we have learned what is the reflection by the plane mirror and what are the effects of turning the mirror either clockwise or anti-clockwise. Next lecture we will start with the construction of spherical mirrors. So today we shall stop here. That was all about the reflection through the mirror. Thank you.